हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एडवेंचर में। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत नज़दीक टाइम आ चुका है जेई मेन के लिए एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इस वीडियो में हमने हर तरह के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। जितने भी थ्योरी आपने पढ़े होंगे, जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, सारे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया है। इस वीडियो को कैसे देखना है उसके बारे में बात करते हैं। हर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, हो सके तो अगर आपको थ्योरी उससे रिलेटेड पता नहीं है तो आप उसे भी पढ़ोगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पे, क्वेश्चन दूंगा आपको जिसपे आपको काम करना है, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, जिनकी थ्योरी वीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितनी थ्योरी हो सके क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम आपको बता पाऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि और कौन से चैप्टर से जिनमें हम आपको क्वेश्चन कराएं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, प्रैक्टिस कराएं। हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए, आप जरूर जाकर के देखें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सिट बैक, रिलैक्स एंड सॉल्व। ओके, नाउ you have already tried this question, now let us assume that what we have to do here, you have given a source of light, this is the source of light, ye aapki source of light hai yahan par, and this source of light lies at the center of the mirror and the length of mirror is d. A man is at a distance 12 from this point and he is walking along this line. You have to find the greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror. एक मिरर है, उस मिरर के सेंटर पे एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट निकलेगी, वो टकरा करके मैन तक जाएगी। जब मैन यहां पर होगा तो इसकी जो लाइट की जो सोर्स है वो उस तक पहुंचनी चाहिए, तब उसे दिखेगी। जब मैन यहां पहुंच गया होगा तो लाइट की जो सोर्स है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उस तक पहुंचनी चाहिए। तो आपको बताना है कि कैसे करना है। देखो, आप सिंपल डायग्राम बनाओ, पहले रे डायग्राम बनाओ, जैसे कि ये हो गया मिरर। मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा क्योंकि थ्योरी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जिनको थ्योरी वीक होगी, हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं, बेसिक से समझाऊं। इफ यू नो दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन स्किप टू द अदर क्वेश्चन, इसकी आंसर आएगी 3D। सो देखो, आप यहां पे जैसे सपोज करो ये हमारी सोर्स है, ओके, तो इस सोर्स और ये मैन, जब लाइट यहां से ऐसे आती है तो इस पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइट उतने ही एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, तो मैन को दिख जाएगी ये लाइट, क्योंकि ये लाइट उस तक पहुंची। मैन जब चलता हुआ यहां पहुंच गया तो इस सोर्स से जो लाइट है वो मिरर के इस एंड से रिफ्लेक्ट होते हुए इस तक पहुंचनी चाहिए, तो उसे दिखेगी। इस तरह से हमने डायग्राम यहां पर बना लिया। क्योंकि ये जो मिरर है इसकी लेंथ है डी, तो ये भी कितनी होगी, डी, ये दोनों डी हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। नाउ जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I इज इक्वल टू R, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करो आप, तो आप देख सकते हो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी। Why? बिकॉज देखो, लाइट ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, बिकॉज एंगल हमारे सेम है। तो ये डी बाई टू है हाफ, तो ये भी डी बाई टू, उसी तरह से ये डी बाई टू है तो ये भी डी बाई टू। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, ये कितनी होगी। अब देखो, आप इसमें जो है
आप अगर सिमिलरिटीज लगाते हो, एक ये छोटा सा ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, ये छोटा सा ट्राइंगल और ये एक बड़ा सा ट्राइंगल, तो देखो ये डिस्टेंस एल है अपॉन ये बड़ा डिस्टेंस 2L है इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का ये डिस्टेंस d बाई 2 है और बड़े वाले ट्राइंगल का ये डिस्टेंस नहीं पता, तो x इज इक्वल टू l कैंसल 2 कैंसल d, मीन्स दिस इज d, दिस इज ऑल्सो d एंड दिस इज d, मीन्स द आंसर इज 3D। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, थोड़ा सा डायग्राम में कॉम्प्रोमाइज करना होगा स्टूडेंट्स आपको, एंड बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरिटी यूज़ की हमने, रे डायग्राम यूज़ किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है, ज्योमेट्री पे ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है, बस उसके बाद आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने के बाद आप खुद गेस करो कि इसे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कहेंगे या वेक्टर्स का क्वेश्चन कहेंगे, देखने में तो ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लग रहा है बट इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर मेथड। तो देखो आप, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 i कैप प्लस √3 j कैप, तो आप देखो इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इसकी मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलेगी, 1 + √2/2 1 मिलेगी मैग्नीट्यूड इसकी, ये इंसिडेंट रे है हमारी, मीन्स आई कैप कह सकते हो 1/2 i कैप + √3 j कैप, इसे हम लिखते हैं इंसिडेंट रे। ओके, नाउ प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करता है, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन आर कैप विच इज इक्वल्स टू 1/2 i कैप - √3 j कैप, ये भी आपको यूनिट वेक्टर ही दिखेगा अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो तो। तो आपको पता नहीं फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखो जैसे कोई प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हमारी हो जाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तो जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी वैल्यू है 1/2 i कैप + √3 j कैप और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी वैल्यू 1/2 i कैप - √3 j कैप। तो आप देखो, आप ये जो पूरी जो वेक्टर है, ये एक वेक्टर और ये दूसरी वेक्टर, इनके बीच की एंगल कौन सी होती है, तो जब भी हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं तो या तो हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर को एक साथ एक जगह पे लाना होते हैं, या फिर हेड ऐसे और एक हेड ऐसे, मीन्स दो टेल को मिला दो तो एंगल बिटवीन वेक्टर मिल जाता है, या फिर दो हेड को मिला दो तो एंगल बिटवीन वेक्टर मिल जाते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे बात करो तो इसकी हेड मैच हो रही है और इसकी टेल मैच हो रही है, तो ये तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसे आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये हो गई आई कैप, ये हो गई आर कैप और दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो मान लिया हमने ये हमारी एंगल है थीटा। ओके, ये सारे क्लियर हो रहे होंगे आपको उम्मीद करता हूँ। तो नाउ अगर आप लिखते हो आई कैप डॉट आर कैप, तो लिखोगे आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आर करो आप तो मिलेगी आपको 1/2 1/2 1/4, आई डॉट आई करते हैं जे डॉट जे करते हैं, बाकी सारे टर्म्स चले जाते हैं, तो ये प्लस माइनस -3/√3/2 √3/2 मीन्स 3/4, तो आपको यहाँ पे मिल गया 1/4 - 3/4 इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, तो आपको पता चल गया दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/4 मीन्स -1/2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 120, तो आपको थीटा मिली है 120। आप तुरंत ऑप्शन जो रहेगा 120 इस पर मार्क मत कर देना, आपको थीटा ये 120 है, तो ये वाली एंगल 180 - 120 = 60 मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, आपकी आंसर जो होगी वो 30 होगी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो आप यहाँ पर एक प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मीन्स आप ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे एंड दिस विल बी द मिरर और यहाँ पर हमारी ओरिजिन है एंड फेसिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी जो फेस है ना जिससे रिफ्लेक्शन होगी आपको उसको जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखना है, इस तरह से आपको रखना है मिरर को। देन आप क्या कर रहे हो कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 0, 0,
ये मान लो कोऑर्डिनेट्स है 2, 0, 0 विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप, मींस 2i कैप मींस 2 अलोंग x एक्सिस, 2j कैप मींस 2 अलोंग y एक्सिस। तो 2 अलोंग यहां से, 2 अलोंग दिस, 2 अलोंग दिस, मतलब कि इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी 2i कैप प्लस 2 j कैप, जिसमें कि इस पॉइंट से 2, 0, 0 से 2i कैप इधर एंड 2j कैप इधर, जिसकी रिजल्टेंट ऐसे आएगी। तो ये आपको गिवन है, ये हमारी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर, 2 मीटर आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर पीछे हमारी इमेज होगी, और अगर इसकी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 2j कैप तो जो इमेज है उसकी भी वेलोसिटी सेम होगी, सेम होगी। देखो आप, ये 2i कैप से किधर जा रहा है, ये 2i कैप से राइट के अलोंग जा रहा है, तो ये भी 2i कैप से राइट के अलोंग ही जाएगा। मींस अगर ये ऐसे है तो उसकी इमेज यहाँ पर ऐसे बनती है, आपको समझ आना चाहिए। इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे बनेगी, उसकी भी वेलोसिटी जो है उतनी ही दिखाई जाएगी, जिसमें ये आपकी हो जाएगी 2j और ये हो जाएगी 2i। अगर ये ऑब्जेक्ट इमेज से दूर जा रही है तो इमेज भी दूर जाएगा। Now find the relative velocity of the image with respect to object। मतलब देखो आप, यहाँ पे आपके दो components होंगे, एक होंगे x component तो लिखोगे along x axis, और दूसरी होगी y component तो इसीलिए लिखोगे along y axis। ये दो components आपको यहाँ पर लिखने होंगे students। Now देखो, velocity of image निकालनी है with respect to object। तो velocity of image with respect to ऑब्जेक्ट along x की बात हो रही है, तो vi माइनस vo, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, 2i कैप है लेकिन नेगेटिव में है, तो माइनस 2i कैप माइनस। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2i है along पॉजिटिव, तो 2i, तो आपको यहां से मिल जाएगी माइनस 4i कैप। तो ये वेलोसिटी हमें मिली इमेज की विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, माइनस 4i कैप along x एक्सिस। अब y एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वही फार्मूला हमारा लगेगा रिलेटिव वाला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, 2 along j कैप y में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 along j कैप y में, मींस ये हो गई 0। तो नेट जो वेलोसिटी, ये तो हमारी कौन सी कॉम्पोनेंट थी, ये y कॉम्पोनेंट थी और ये x कॉम्पोनेंट। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलोंग x प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलोंग y, लेकिन ये तो जीरो है, तो नेट जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो आएगी वो आएगी माइनस 4i कैप, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिरर फार्मूला पे, जिन बच्चों ने मिरर फार्मूला के बारे में नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी मैं डिटेल यहाँ पर बताऊंगा, अगर आप जानते हो तो देन यू कैन फास्ट फॉरवर्ड दिस पार्ट और यू कैन स्किप दिस पार्ट। देखो जैसे ये आपको एक ऐसा मिरर दिया हुआ, तो इसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ओके, अब जो लाइट रे आएगी वो ऐसे ही आएगी, इससे टकराएगी, अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऐसे टकराती है। तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजरमेंट करना है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजरमेंट करना है तो नेगेटिव। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो मिरर फार्मूला हमारी होती है 1/v + 1/u = 1/f होती है। तो इतनी कॉन्सेप्ट को लगा करके आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते। इफ यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन देन यू कैन ट्राई इट। अ पॉइंट लाइट सोर्स लाइज ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो हमें एक कनकेव स्फेरिकल मिरर लेना है, इस तरह से लेना है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 160 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, क्योंकि देखो आप, ये स्फेरिकल मिरर ऐसा है और हमें लाइट रे ऐसे ही मिलेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो लाइट रे आएगी ऐसी आएगी। तो जो यहाँ पर R की वैल्यू होगी वो इस तरफ कहीं सेंटर इधर इधर लाई करेगी, मीन्स ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो R शुड बी -160। तो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स -80 सेंटीमीटर। ये डेटा के अनुसार आपने यहाँ पर पता कर लिया। नाउ आगे देखो, जैसे कि बोल रहे इट्स इमेज टू अपीयर्स टू बी
बैक ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस 70, मतलब ये जो मिरर है इसके इधर मीन्स हम मेजरमेंट जो करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही करना होगा क्योंकि सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर किए जाते हैं, तो यहाँ से 70 तो v जो होगी वो प्लस 70 लिखी जाएगी। ये साइन कन्वेंशन अगर आप पुट करने सीख जाते हो समझ जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली फार्मूला से ही बना लोगे। तो r की वैल्यू से हमने f निकाल ली, नेगेटिव क्यों ली, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी, यहाँ से इधर होगी, ये प्लस 70 यहाँ से इधर होगी, ठीक है। नाउ डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स कहाँ पर है मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये आपको इसमें बताना है। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v + 70 + 1/u इज अननोन, सो यहाँ पर आपको साइन नहीं पुट करना है, एंड 1/-80। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर हमारी आई है वो आई है u = -560/15, ये हमारी माइनस में आई बिकॉज हमारी ऑब्जेक्ट जो वो इस तरफ रहेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस मैंने कन्वेक्स मिरर लिया। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज लोकेटेड 20 cm इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर जब आप लोगे तो आप यहाँ पे देखते हो कि लाइट रे जो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो ऐसे आएगी, मीन्स हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ लाई करेगी इस पॉइंट पे, सेंटर इसकी होगी तो डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव होगी, मीन्स फोकल लेंथ भी यहाँ पर प्लस 15 cm लिखी जाएगी। और चूंकि ऑब्जेक्ट को हमें इधर ही रखना होगा तभी जाकर के उससे लाइट आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगी, मीन्स हमारी यू जो होगी वो -20 cm होगी। नाउ डिटरमाइन द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज पॉइंट और इमेज फॉर्म्ड। तो आप देखो मिरर फार्मूला तो अप्लाई करोगी, 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v + 1/u = 1/f and it will give you 1/v = 1/15 + 1/20, okay 60, 15, 4, 23, means v is equals to 60/7 cm, means this is the positive value, means हमारी जो image होगी वो back side of the mirror में बनेगी, और चूंकि ये convex mirror है तो image जो होगी वो छोटी होगी, nature हमारी size जो होगी वो smaller than the object होगी, and position जो होगी वो back side of the mirror होगी, और यहाँ पर image जो है वो virtual होगी क्योंकि convex mirror के case में हमारी image जो बनती है वो virtual image बनती है। Now moving to the next question, question number 6। देखो स्टूडेंट सोचना कैसे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ट्राई करो, देन आफ्टर आपको समझ आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस की थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं शुरू से ये चीज़ समझाते आ रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज 30 cm फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। तो जैसे ऑब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 30 cm पे है, कोई भी मिरर ले लो, कनकेव मिरर या कन्वेक्स, इसके बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। बट यू आप नेगेटिव ही लोगे बिकॉज उसे आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखोगे और लाइट उससे ही आकर के टकराएंगे, मीन्स हमारे डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगी, जो पोल से जो मेजरमेंट होगी वो यू के तरफ होगी, दैट इज नेगेटिव। तो u = -30 cm आप लिखोगे यहाँ पे। अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैटरल मैग्नीफिकेशन, मिरर के केस में जो लैटरल मैग्नीफिकेशन लेते हैं स्टूडेंट्स वो होता है HI/HO, मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर उसे हम -v/u भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेटरल मैग्नीफिकेशन गिवेन है 1/2, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज इन्वर्टेड, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो रियल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जितने भी कंडीशंस हैं मिरर में इमेज फॉर्मेशन के, रे डायग्राम जितने भी हैं वो सब आप याद कर लेना। तो u = -30 cm है, तो आपको यहाँ पर इमेज के बारे में बताया गया कि वो इन्वर्टेड है, तो उससे आप पता कर लोगे कि द इमेज इज रियल। तो अगर यहाँ इमेज रियल बनी है तो कोई चांस ही नहीं है कि ये कन्वेक्स मिरर होगा, ये कनकेव मिरर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वाले केस में कोई ऐसा कंडीशन आपको नहीं पढ़ाया गया होगा जहाँ पर आप रियल इमेज पाओ, तो ये कनकेव मिरर होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बतानी है, तो फोकल लेंथ अननोन है, इसे आप पॉजिटिव नेगेटिव ना लो, ठीक है, जो भी आनी होगी इसकी वैल्यू में खुद आपको दिख जाएगी। u = -30 cm है, वी जो होनी चाहिए, वी भी होनी चाहिए नेगेटिव, वाई बिकॉज वी इसलिए नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही ये इमेज हमारी दिखेगी। तो v = हमें नहीं पता है बट मैग्निफिकेशन हमें पता है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवेन है, एब्सोल्यूट वैल्यू गिवेन है 1/2, तो मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन = 1/2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। अब ध्यान देना यहाँ पे,
ये जो वैल्यू 1/2 ये नेगेटिव होगी. क्यों नेगेटिव होगी? बिकॉज हाइट ऑफ इमेज नीचे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है. तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी. ओके, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज के केस में आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही मिलनी चाहिए. तो -1/2 इज इक्वल टू -b/u, सो माइनस खत्म हो जाएगी. 1/2 इज इक्वल टू वी. वी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट यू हमने कितनी ली है? यू हमने ली है -30. फिर यहाँ से वी इज इक्वल टू -15 आ जाएगी. सो वी इज -15. अब सिंपल मेरा फार्मूला लगा दो स्टूडेंट्स, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. सो 1/v -15 -30 रखो, और f अभी नहीं रखोगे आप, f खुद आएगी, आपको दिखेगी आती हुई. तो 1/f इज इक्वल टू 30 ऑफ -2 -1 -3/30, मीन्स f इज इक्वल टू -10 cm. फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव आई, कन्वे मिरर है ये. तो चूंकि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ तभी आएगा, ये क्वेश्चन तब आप खुद तब बना पाओगे जब आपको सारे कंडीशंस याद है. तो अगर बच्चे ऐसा कहते हैं, सर मुझे एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मैं थ्योरी क्यों पढ़ूँ? थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ये फार्मूला लगा है. तो क्या अगर आप ये फार्मूला जानते तो क्वेश्चन बना लेते? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. आपको जितने कंडीशंस है, जितने रे डायग्राम के केसेस हैं, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में, विद देयर मैग्निफिकेशन कहाँ हो रहा है, सारी कंडीशंस और सब कुछ याद होने पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो. क्योंकि आप यहाँ खुद कंफ्यूज कर जाते हैं, मैग्निफिकेशन 1/2 है बट मैंने यहाँ -1/2 ले लिया. ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़नी होगी. तो मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, इससे फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ आएगा कि थ्योरी को कैसे पढ़े और उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें. अगर आप थ्योरी नहीं जानते हो तो आप उसको किस तरह से पढ़ोगे, ये मेरे बताने, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा आपको. सो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते चले जाएं. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बेस्ड है मिरर फार्मूला पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स का रिविज़न आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो जाएगा. इसके बाद कुछ और टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे फॉर्मूला पे. तो देखो आप, जैसे कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई 10 cm, तो यहाँ पर आप लिख दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 cm, बस अभी इतना लिख दो. एक बार खुद क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करो, वीडियो पॉज करके एक बार आपको खुद चाहिए कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ. और राइट एंगल्स पे रखी हुई प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे हमने रखी है इसे, टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 cm. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दी हुई है मिरर की वो 60 cm है. आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड हैज लेंथ 6 cm. तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरह का मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है. थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि जो कनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम आपने पढ़े होंगे थ्योरी पार्ट में, तो उस कनकेव मिरर के सारे केसेस को अगर आप याद करो तो सिर्फ एक ही ऐसा केस होता था जिसमें हमारी जो इमेज होती थी वो वर्चुअल होती थी. लास्ट केस होता था जिसमें फोकस और पोल के बीच का ऑब्जेक्ट रखते, ऑब्जेक्ट को जो होती थी वो फोकस और पोल के बीच में रखते थे. आपको भी याद होगा, अच्छे से याद होगा. इस केस में जो हमारी इमेज बनती थी वो वर्चुअल होती थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की होती थी, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट की छोटी साइज की इमेज है. ऑब्जेक्ट तो 10 cm की है, इमेज की लेंथ तो 6 cm की है. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट 10 cm, इमेज जो है वो 6 cm है, तो ये कनकेव मिरर नहीं बना सकता, ये कन्वेक्स मिरर ही बनाएगा. सो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर. तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पॉजिटिव लिखी जाएगी. इससे हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो +60 होगी, मीन्स फोकस जो होगी वो +30 cm हो जाएगी. एंड चूंकि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, हाइट ऑफ इमेज भी 6, दोनों पॉजिटिव होंगे. इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा यहाँ पे, तो ऊपर ही बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट होगा, ऊपर ही इमेज बनेगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे. और मैग्निफिकेशन भी हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, HI/HO विच इज इक्वल्स टू 6/10, ये हमारी मैग्निफिकेशन होगी. एंड दिस इज इक्वल्स टू -V/U. ना हमें V पता है ना ही U पता है, बट मिरर फार्मूला हम जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f. F पता है, V और U में रिलेशन निकाल देते हैं. सो V इज इक्वल टू -3/5 of U. और चूंकि ये इरेक्ट, ये इमेज जो हमारी बन रही है वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है,
तो इस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया यहाँ पे। अब देखो आप v की वैल्यू है -3/3u/5 + 1/u = 1/f। आप यहाँ कोई वैल्यूज पुट नहीं करोगे अभी बिकॉज u इज अननोन, वो कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से एलसीएम लेते हो, f की वैल्यू आप 30 यहाँ पर रख दोगे। एलसीएम लेने पे 3u -5 + 3 1/30 - 2/3u = 1/30, तो ये 3 × 10, सो u = -20 cm। तो u की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स -20 cm, जो है वो हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा आपको रे डायग्राम याद रहने पे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखो आप एक बार तो क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होने पर आप सॉल्यूशन वॉच करें, सॉल्व हो जाए तो भी वॉच करो, बहुत कुछ सीखने को मिले। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm एंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 cm आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर 40 cm अपार्ट। जैसे ये एक बना दिया कनकेव मिरर और एक दूसरा बना दिया कन्वेक्स मिरर, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे को फेस करेंगे और दोनों के बीच की जो दूरी होगी स्टूडेंट्स वो आपको गिवन है 40 cm की दूरी आपको यहाँ पर मिल रही है दोनों के बीच में। जैसे कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो आप नेगेटिव लिखोगे -10, एंड मिरर जो कन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ तो आपको पॉजिटिव लिखनी होगी क्योंकि वो इधर लाई करेगा। इसकी जो फोकल लेंथ लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 15 cm प्लस में। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स ऑन देयर कॉमन एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड 15 cm फ्रॉम द कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर से 15 cm पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। फाइंड ओवरऑल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फर्स्ट एट कनकेव देन एट कन्वेक्स। तो पहले आप रिफ्लेक्शन जो कराओगे तो पहले जो रिफ्लेक्शन आपको कराना है वो कनकेव पे कराना है। कनकेव से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट है वो जाकर टकराएगी कन्वेक्स से, तो जो एक फाइनल इमेज बनेगा, जो एक फाइनल इमेज बनेगा उसकी मैग्निफिकेशन आपको बता दें। तो देखो होगा क्या, पहले तो देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और लाइट इससे जाकर किससे टकराती है सपोज, तो इमेज कहाँ बनती है वो पहले निकालते हैं यहाँ पर। तो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो होगी कनकेव से, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो कनकेव से होगी 1/v + 1/u = 1/f। 1/v नहीं पता, u हम नेगेटिव लेंगे -15 लेंगे = 1/f - 10। तो आपको यहाँ से 1/v = -1/10 + 1/15, फिर 1/v = 3 - 1/30 मीन्स आपको जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो 30 पे बन रही है। कहाँ से, कनकेव मिरर से 30 cm पे, पहले रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इमेज 30 cm पे बन चुकी है, मतलब ये हमारी इमेज जो बनी। तो जो इमेज बनी किससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट एक इमेज बनाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 cm फ्रॉम द कनकेव मिरर, दैट इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो ये इमेज जो हमारा बना इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी जो कि इससे 10 cm के दूरी पे है, बिकॉज ये 40 है, 30 है, तो ये 10 हो। तो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन 1/v नहीं पता, u कितना दूर है, u है -10 = 1/f 15 + 1/15 आप देखो यहाँ से 1/v = 1/15 + 1/10
this will give you 30, 15, 2, 10, 3, 5 upon 30 means 6. तो जो हमारी plus 6 है, means इसके इधर बनेगी. तो finally जो हमारी इमेज बन गई वो इससे 6 सेंटीमीटर पे. तो आप यहाँ देखो, जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ तो मैग्निफिकेशन कितना था, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा मैग्निफिकेशन था वो था माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू माइनस टू. ओके, नाउ सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी. सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी मैग्निफिकेशन है माइनस वी अपॉन यू हमारी थी माइनस टेन. सो 3/5. तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द ओवरऑल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू फर्स्ट मैग्निफिकेशन इनटू सेकेंड मैग्निफिकेशन. ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा ये थियरी पार्ट में. तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फर्स्ट मैग्निफिकेशन माइनस टू, सेकेंड मैग्निफिकेशन 3/5 मीन्स माइनस 6/5 हमारी यहाँ पर आंसर होगी, विच इज दी ओवरऑल मैग्निफिकेशन. तो उम्मीद कर दो एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स. नाउ आगे